अलकुम दोस्तों साथियों सामीन नाजरीन ज़रा सी तख़ीर के लिए फिर से माजरत दो तीन हफ़्ते का गैप हो जाता है एक तो आई स्ट्रॉली बिलीव यू शुड नॉट हैव समथिंग यू शुड नॉट से समथिंग अनलेस यू हैव समथिंग टू से और उसके बाद घर में रंग चल रहा है तो मैं भी इस वक्त और वैन की तरह रंग रेजा मल्टी कलर्ड हुआ हुआ हूँ और हर तरफ से अ, हर नस से हर रक्स से इस वक्त रंग टपक रहे हैं खैर आज आ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक डेवलपमेंट हुई है आ, फरहाद हुमायूं साहब जो ओवरलोड के वोकलिस्ट हैं उन्होंने खबरों के मुताबिक कोका कोला को एक लीगल नोटिस भेजा है कि आपने जो आपका रीसेंट गाना है जो रीसेंट प्रमोशनल कैंपेन है जो कि मीशा शफी ने गाई है जिसमें हुक यूज़ नेड़े आ आह जो गाना है लॉलीवुड का आ, उसमें जो यूनिक गिटार काम है जो इम्प्रोवाइजेशन है जो वोकलाइजेशन का स्टाइल है वो सब मेरा है और इस तरह मेरे जो हकूक हैं मेरे जो कापी रिइ्स हैं उनकी पामाली हुई है और मुझे मेरा हक़ दिया जाए या मुझसे ये चीज़ जिसका अमूमन हल ये होता है कि मुझसे ये चीज़ लाइसेंस की जाए या मुझसे ये चीज़ इजाज़त लेके आगे की जाए बुनियादी तौर पर फरहा हमियों बहुत नाला हैं और बहुत गु़स्से में हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू है तो हम कोशिश करेंगे आज थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करें और किस तरह फरहाद हमियों शायद आ, मुझे ये लगता है कि बिला का शोर कर रहे हैं आ, इस बात का बतंगड़ बनाने के लिए क्योंकि सबसे पहले तो ये गाना उनकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन नहीं है उन्होंने इस गाने को रीमिक्स किया है ये गाना बुनियादी तौर पे मेरा ख़्याल से उन्नीस में जो फिल्म चूड़ियाँ आई थी जो बड़ी लॉलीवुड की वन ऑफ़ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म है क्योंकि उसने उस ज़माने में 20 करोड़ का बिज़नेस किया था तो उस फिल्म में सैयद नूर की सबका बेगम जो मेरे ख्याल से हयात नहीं है रफ़साना नूर ने यह गाना लिखा था और सैयद नूर ने यह गाना कमीशन कराया था एग्जैक्ट प्रोड्यूसर्स का प्रोड्यूसर का नाम मैं ज़रा म्यूज़िक प्रोड्यूसर का नाम मैं मैं ज़रा कॉन्फ्लिक्टड कौ, हूँ किसने किया था अगर आपके में हो मुझे ज़रूर बताइएगा सैयद नूर साहब को मैंने फ़ोन करने की कोशिश की उन्होंने नहीं उठाया तो आ, मैंने बोला मैं उनसे एक्चुअली कॉपीराइट्स का जो मामला है उस पर मैं ज़रूर बात करता उनसे तो फ़राद हमूँ ने बुनियादी तौर पे 2011 में एक वीडियो बनाई नेड़िया वे ालमा वे आ, जिसके अंदर मेरे से क्यूबी भी थी जिसके अंदर आमना हक भी थी जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रेव कस्म की वीडियो थी जिसमें उन्होंने इस पूरे गाने को आ, छापा था मतलब छापा ओबियसली मेलोडी वही थी हुक वही था और उसके अंदर उन्होंने थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले आए थे हैवी गिटार रिफ्स लाए वॉज अ वेरी गुड रीमिक्स एट अ टाइम वन री मिक्स वूंग दिस वज दंड वेवज ऑफ री मै सैकंड वेव ऑफ़ री मिक्सिस पहले तो वो बाली सागु और बॉम्बे वाइकिंग्स वाला था ना जिसमें हमने टैप किया था दिस द दिक्कड वेव ऑफ़ रीमिक्सिस जो हमारे यहाँ हुआ अब फ़राध हम साहब का कहना है कि उनके हकूक़ की पामाली हुई है अब इसमें दो बहुत अहम चीज़ें हैं पहली चीज़ तो ये कि वो गाना जैसे मैंने बताया ना धुन फराध हमियों की अपनी नहीं है और जो एक तरह से वह गाना लिखा गया ज़ालिमा आनेड़े आ आ, आ ये बिल्कुल इसी तरह गाया गया है ओरिजिनल गाने में भी और उन्होंने सिर्फ लेके उसके ऊपर थोड़े से इफेक्ट्स लगा दिए थोड़ा सा उसको आ, उसकी कॉम्पोजिशन में कुछ ऐड नहीं किया ना उन्होंने सॉन्ग राइटिंग चेंज किया ये देखिए कापी के हवाले से याद रखिए एक बहुत अहम चीज़ होती है कि आप क्या उस गाने को लेके कुछ टोटली नई चीज़ बना रहे हैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल है उसकी जैसे कोक स्टूडियो में शुजा हैदर ने मेहता मर जानिया के साथ किए लिटरली हुक होता है और फिर वो गाना पूरा तब्दील हो जाता है सो ही हेज़ यूज इट इन अ न्यू सॉन्ग इन अ कम्प्लीटली न्यू सॉन्ग तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये उसकी पामाली हुई है हाँ थोड़ा बहुत अडेप्टेसन पे सवाल उठ सकता है बट इट्स इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ न्यू सॉन्ग द वे ही इज़ डन इट फरहाद हमियों ने तो पूरी धुन उठा के छाप दिए पूरा गाना छाप दिया मैं ये नहीं कह रहा बुरा छापा बहुत अच्छा छापा है एंड ही इज़ गुड एट एड इनफैक्ट ओवरलोड का कुछ इंस्ट्रोमेंटल काम ओरिजिनल अच्छा है उसके अलावा तो इस तरह के रीमेक्स मुझे भी ज्यादा तौर पर उनके बॉडी पसंद है लेकिन इस पर कापी राइट्स का शेर शोर करना इसलिए भी थोड़ा सा गैर मुनासिब है कि अगर मुझे इस तरह के गाने पर कापी राइट्स लेने हैं तो मैं जी सैद नूर साहब से बात करूँ या किसी और से बात करूँ क्योंकि अगर हम किसी औरिजनल किसी प्योर किसी ऑथेंटिक कलाकार को वो रिस्पेक्ट ना दें और उसके बाद एक श्थ एक शख्स जिसने उसकी सेकंड कॉपी बनाई है उसको वो रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें तो पाकिस्तान जहाँ पे कापी राइट्स की बहस वैसे ही आपकी सियासी बहस जितनी पेचीदा है उसमें सिंपल चीज़ है ही नहीं इतने आपके यहाँ कापी राइट्स के मसले हैं कि अमजद साबरी ये कहता कहता मर गया कि भर जोली मेरी या मोहम्मद वसम ये मेरी कवाली है ये मेरे बाप की कवाली है लेकिन एक रिकॉर्ड लेबल ये कहता रहा कि अब आप हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट ला के दें कि यह आपके बाप ने आपके नाम की है और इन बातों बातों में उन्हीं की एक कज़न जो कि दिल्ली में होती हैं उन्होंने एक कव्वाली सलमान खान फिल्म्स को भेज दी जो अब बेच दी जो अदनान समी खान ने अपनी आ, फिल्म आ, बजरंगी भाईजान थी मेरे ख्याल से येस ओमे बीट वो बजरंगी भाईजान उसमें उन्होंने गाली अब ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं एक जगह आपके पास प्योर वेस्टर्न लॉ लगा हुआ है कॉपी राइट्स का एक ऐसे माशरे में जहाँ बुनियादी तौर पर जो मौसी है वो सीना बसीना सामने आई है जिसको आप औरल ट्रेडिशन कहते हैं और जिस वजह से बहुत से ऐसे कुम्हार हैं बहुत से ऐसे मल्हार मल्हार हैं बहुत से मल्हार कह रहा हूँ माही हैं आ, बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जिनके अपने बनाए हुए गाने कोई रिकॉर्ड लेबल उनको लेके ओन करता है तो बुनियादी तौर पे पता चलता है ये गाना एच एम वी का है ये गाना ई एम आई का है और अगर आप असल में तारीख़ में जाते जाए तो वो बताते हैं पता नहीं किस कबीले ने राजस्थान में या थर में या सिंध में कभी बैठ के वो गाना गाया था और क्योंकि इनके पास पहली कागज़ी कार्रवाई आई तो ये गाना उनका हो गया तो ये तो रेकर्ड लेबल्स का पेचीदा कैरेक्टर है जिसके ऊपर हम पेचीदा क्या प्रॉब्लमेटिक रोल है जिसके ऊपर हम अक्सर बात कर सकते हैं लेकिन क्योंकि उनके पास कागज़ी कार्रवाई होती है तो कोर्ट कहते हैं इनके पास कागज़ है तो हम क्या करें लेकिन फरहाद फ़रहानुमायों वाली चीज़ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ ये है कि यही गाना दो के बाद लेटर ऑन आई थिंक सीजन फाइव में Uh, फरहाद हम जब कोक स्टूडियो के ड्रमर थे उन्होंने रेचल के साथ गाया था ये गाना क्योंकि मीशा वॉज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द बैंड, वो तो पहली रेडिशन के मे भी नहीं थी मीशा शफी uh, लेकिन उन्होंने तब गाया था और वो गाना यूट्यूब पर रोहेल हयात के यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है जिसका मतलब यह कि रोहेल हयात ओन्स दैट सॉन्ग हाँ फ़रहत को इजाजत होगी क्योंकि रोहेल अमूमन बड़े फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं कि जी आइए आप जाके परफॉर्म कर लीजिए जो कर लीजिए लेकिन कायदे से वो गाना भी आपका नहीं है जिसके अंदर आपने मोरलिस यही रेंडिशन रिपीट की है और रेचल मोरलिस वही वोकल इंप्रोवाइजेशन कर रही हैं और कुछ बेहतर ही कर रही हैं जो शायद मीशा शफी आपकी बैंड मम्बर होती तो शायद वो करती तो एक चीज़ इस तरफ जाती है कि मे बी यू नो मीशा इज़ गेटिंग ऑल द लाइम बिकॉज शी इज़ बैक इन कोक पॉसिबली विद अ न्यू सॉन्ग एज़ वेल और शायद इस वजह से फरहाद हमियों को ये चीज़ बुरी लग रही है क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है जिस तरह फ्यूजन वालों की शफकत अमानात अली से रही है और दीगर बहुत सारे बैंड्स के बहुत सारे ऐसे स्टार से रही है जो जाके मकबूल हो जाते हैं कभी कभी बैंड से ज़्यादा या आपसे ज़्यादा लेकिन ये मेरा मुबालगा हो सकता है ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि फरहाद हमियों के पास इस वक्त कोई ग्राउंड नहीं है कि एक पुराने गाने के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोकल्स कोई भी डाल सकता है फरहाद अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोकल दी तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गाने के राइट्स आ गए ऐसे तो नहीं है ना आपने भी अडेप्टेसन की मुझे नहीं पता कि आपने सैद नूर साहब से रुखसाना रूर साहबों से ख्यात थी या नहीं थी आपने इजाज़त ली है उनको पैसे दिया कर दिए बहुत अच्छी बात है अगर कोक ने भी दिए बहुत अच्छी बात है लेकिन फरहाद आपका इसमें कोई हिस्सा नहीं बनता और आप तो एक वेल एक्सपोज एफ्लूंट म्यूज़िशन हैं आपको इस तरह की बहसों में नहीं पढ़ना चाहिए और इस तरह के कॉपीराइट के मसले जो पहले ही और बड़े पेचीदा हैं उनको और मरकी ना करें बहुत से ऐसे जेनवन डिज़र्विंग आर्टिस्ट्स हैं जिनके काम के ऊपर जिनकी मेहनत के ऊपर जिनकी मशक्क़त के ऊपर पानी फिर जाएगा अगर हम रीमिक्स करने वालों को ये क्रेडिट्स देना शुरू हो जाए आपने एक बुनियादी तौर पर रीमिक्स किया था और कोई भी उस ओरिजिनल को गाने को लेके किसी तीसरी चौथी तरह रीमिक्स कर सकते हैं वोकल इम्प्रोवाइजेशन के दस तरीक़े हैं और वोकल इम्प्रोवाइजेशन तो उस गाने में ज़्यादा चेंज भी नहीं हो सकती तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इन माय ओपिनियन फ़राध हम जो बात कर रहे हैं वो गैर संजीदा है वो ज़्यादा जज्बाती है और मुझे नहीं पता क्या चीज़ कब म्यूज़िशन ट्रिगर कर देती है आपको ऐसे ऐसे, ऐसे फ़नकार मैं आपको बताऊँ कोक स्टूडियो में बजाते हुए नजर आएंगे जो कोक स्टूडियो पर केसेस करते रहे तो कभी कभी हमारी इंडस्ट्री में यह भी होता है बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द पीस ऑफ केक यू वॉन्ट टू स्पॉल द केक मे बी इट इज़ दैट बट अगेन मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा ये मेरी पॉसिबल थोरीज़ हैं इस चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ एक बहुत अहम जहन में रखी है कि बहुत से लोग ये कह सकते हैं ये मुझे व्लाग के शुरू में कहनी चाहिए थी कि, कि कोका कोला ने मुझे कहा होगा ये व्लाग करने के लिए नहीं मुझे बिल्कुल कोका कोला ने नहीं कहा हाँ इस दफ़ा मुझे कोक स्टूडियो ने अप्रोच किया था कि मैं उनके साथ किसी चीज़ पर काम करूँ लेकिन बात नहीं बन सकी सो ना मुझे ये व्लाग किसी और को ने करने को कहा है ना मैं किसी और के करने पर कह रहा हूँ कापी राइट्स एक बहुत संजीदा मामला है इस पर हम मज़ीद संजीदगी से बात करेंगे एक दफ़ा ये फरहाद फरहानुमयों वाला मामला किसी करवट बैठ जाए अपना ख्याल रखिए गिरदो में जो लोग हैं उनका ख्याल रखिए मास्क पहनीए मोहब्बत फैलाइए शुक्रिया